स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम स्वच्छता ही सेवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी ये यात्रा अपने मुकाम पर पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि आज 2 अक्टूबर के दिन मैं कर्तव्य बोध से भी भरा हुआ हूं और उनका ही भावुक भी हूं। उन्होंने कहा कि आज बापू और लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती है। मैं माँ भारती के सपूतों को श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूँ। जिस भारत का सपना गांधी जी और देश की महान विभूतियों ने देखा था, वो सपना हम सब मिलकर पूरा करें। आज का दिन हमें ये प्रेरणा देता है। मोदी जी ने कहा कि आज से 1000 साल बाद भी जब 21वीं सदी के भारत का अध्ययन होगा तो उसमें स्वच्छ भारत अभियान को जरूर याद किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन इस सदी में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सफल जन भागीदारी, जन नेतृत्व वाले जन आंदोलन है। इस मिशन ने मुझे ईश्वर रूपी जनता जनार्दन की साक्षात ऊर्जा के भी दर्शन कराए। स्वच्छ भारत मिशन से देश के आमजन के जीवन पर जो प्रभाव पड़ा है वो अनमोल है। हाल ही में एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय जर्नल की स्टडी आई है और इस स्टडी को इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मिलकर स्टडी किया है। इसमें सामने आया है कि स्वच्छ भारत मिशन से हर वर्ष 60 से 70 हजार बच्चों का जीवन बच रहा है। देश के आम जन के जीवन पर जो प्रभाव पड़ा है वो अनमोल है। हाल में एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय जर्नल की स्टडी आई है। इस स्टडी को इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉशिंगटन यूएसए, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मिलकर के स्टडी किया है। इसमें सामने आया है कि स्वच्छ भारत मिशन से हर वर्ष 60 से 70 हजार बच्चों का जीवन बच रहा है। अगर कोई ब्लड डोनेशन करके एक बच्ची किसी एक की जिंदगी बचा देना तो भी वो बहुत बड़ी घटना होती है। हम सफाई करके, कूड़ा कचरा हटा करके, गंदगी मिटाकर 60-70 हजार बच्चों की जिंदगी बचा पाए, इससे बड़ा परमात्मा का आशीर्वाद क्या होगा। WHO के मुताबिक 2014 और 2019 के बीच 3 लाख जीवन बचे हैं जो डायरिया के कारण हम खो देते थे।